दोस्तों टीवी की दुनिया की जानी मानी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई है। शिल्पा शिंदे कई सालों से टीवी में व्यस्त है, लेकिन दोस्तों उन्हें भाभी जी घर पर है नामक सीरियल से लोगों के बीच में पहचान मिली थी। इस शो के लिए शिल्पा शिंदे को लोगों ने काफी सराहा और दोस्तों प्यार भी दिया। भाभी जी घर पर है के बाद में शिल्पा शिंदे बिग बॉस 11 का हिस्सा बनी और विनर बनकर घर से बाहर आई थी। दोस्तों शो के दौरान शिल्पा शिंदे को सलमान खान का काफी साथ मिला था। सलमान खान खुद हर वीकेंड पर शिल्पा शिंदे की तारीफ करते थे, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग में जबरदस्त बढ़त हो गई थी। दोस्तों आपको बता दें, शिल्पा शिंदे मंगलवार को एक कार्यक्रम का हिस्सा बनी थी, जहां पर यह ऐलान किया गया था कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रही है। कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष संजय निरुपम और नेता चरण सिंह सप्रा भी मौजूद थे। दोस्तों संजय निरुपम ने शिल्पा शिंदे को एक गुलदस्ता देकर कांग्रेस में शामिल होने के लिए बधाई दी है। दोस्तों बिग बॉस 11 के दिनों से ही शिल्पा शिंदे को फैंस से जबरदस्त प्यार मिल रहा था और इसमें ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का अहम योगदान था। हालांकि दोस्तों पिछले कुछ दिनों से शिल्पा शिंदे ने अचानक ही ट्विटर से अलग होने का फैसला कर लिया और अपना अकाउंट भी हटा दिया। दोस्तों इसके बाद में शिल्पा शिंदे के फैंस काफी बेचैन हो गए थे और उन्होंने शिल्पा के भाई आशुतोष से गुहार लगाई कि वो अपनी बहन को समझाए और उन्हें ट्विटर पर वापस बुला ले। हालांकि दोस्तों शिल्पा शिंदे ने किसी की नहीं मानी और अपने फैसले पर अड़ी रही। शिल्पा शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैं जिस मनसा से ट्विटर के साथ आई थी वो मेरी पूरी नहीं हो पाई या मैं वो नहीं देख पाती जो मैं देखना चाहती हूँ। दोस्तों शिल्पा शिंदे ने सोशल मीडिया पर फैली नेगेटिविटी को ट्विटर छोड़ने का मुख्य कारण बताया था। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।